अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था स्लाइसर क्या होता है, उसका क्या यूज है और कब हम यूज कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइमलाइन पर। टाइमलाइन के लिए जरूरी है कि आपके पास जो डाटा है उसमें डेट ड्यूरेशन लाजमी मैंशन हो। टाइमलाइन भी बेसिकली स्लाइसर से बिल्कुल मिलती जुलती है, आप कह सकते हैं कि ये भी स्लाइसर का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम यहाँ पिवट टेबल पे जो हमने समराइज डाटा किया हुआ है, ये हमारे पास ईयर वाइज है, ये क्वार्टर वाइज है, ये सब डिपार्टमेंट वाइज है और ये डिपार्टमेंट वाइज है, और मंथ वाइज किस डिपार्टमेंट में किस मंथ में कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो उसके लिए हम किसी भी जो पिवट चार्ट पे क्लिक करेंगे पिवट टेबल पे, तो यहाँ पिवट टेबल एनालाइज पे आएंगे, यहाँ इंसर्ट स्लाइसर जैसे पहले हमने इंसर्ट किया था इसी तरह इंसर्ट टाइमलाइन हम करेंगे। इंसर्ट टाइमलाइन में जो डेट का आपके पास फिल्टर होगा वो आपको शो कर देगा, इस पे हम क्लिक करेंगे, इसको हमने ओके कर दिया। तो ये हमारे पास टाइमलाइन की विंडो ओपन हो गई। ठीक है, अगर हमने इसका कलर वगैरह चेंज करना था, हम यहाँ ऊपर से इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ मंथ का फिल्टर है, क्वार्टर का फिल्टर है, डेज का फिल्टर है। अगर आपने ईयर वाइज देखना है तो ईयर को आप सिलेक्ट करें, ये आपके पास ईयर्स आ जाएंगे, जिस ईयर्स को आप सिलेक्ट करेंगे उस ईयर का आपको डाटा फिल्टर कर देगा। ठीक है, जैसे 2021 को मैंने किया तो ये मेरे पास 2021 का डाटा आ गया। ठीक है, इसके साथ अगर मैं 2 साल का देखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इंक्रीज कर दूंगा, तो ये 21-22 का मेरे पास डाटा शो हो गया। इसी तरह 2020, जिस तरह हमने कनेक्ट किया था स्लाइसर को, इस सेम उसी तरह हम ये टाइमलाइन को भी दूसरी जो हमारी रिपोर्टिंग है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखें, मैं जस्ट इस रिपोर्ट पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है टाइमलाइन। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये दूसरे जो टेबल है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो, 2020 को सिलेक्ट करूँ तो सब में डाटा अपडेट हो। तो उसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ रहा होगा रिपोर्ट कनेक्शन, आप इस पे क्लिक करें, आपके पास जितने भी टेबल होंगे इसमें शो हो जाएंगे, और आप जिस जिस टेबल को इसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ टिक कर दें और उसके बाद कर दें ओके। ठीक है, तो अब ये देखें, अब आपने 2020-21 सेलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये डाटा सॉर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं जस्ट 2022 को करता हूँ तो ये 2022 का डाटा आ गया मेरे पास, 2023 को सिलेक्ट करता हूँ 2023 का। अब मल्टीपल ईयर का देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं सिलेक्शन कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे डाटा शो करवा देगा। तो आप यहाँ टाइमलाइन को क्लियर करेंगे तो ये आपके पास डिफॉल्ट जो आपका अपडेटेड डाटा है वो शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको मंथ वाइज देखना चाह रहे हैं तो मंथ वाइज में ये ईयर है पहले, कि ईयर जनवरी 2021 में क्या डाटा था, तो जनवरी 2021 में मेरे पास कोई डाटा नहीं, इस तरह इसको शो ऑन करते जाएं। फेब मार्च और अप्रैल, फेब मार्च और अप्रैल तक मेरे पास ये डाटा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको क्वार्टर वाइज करते हैं तो ये क्वार्टर है आपके पास, फर्स्ट क्वार्टर में 2021 के थर्ड क्वार्टर में ये मेरे पास डाटा था। इसी तरह आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको आप कर सकते हैं, 2023 के सेकंड क्वार्टर में मेरे पास ये डाटा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कोई और अपनी पसंद की वीडियो रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं या आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।